राधे राधे, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग का समय, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल नाश्ता पानी लेकर, खाकर पीकर और अपना आराम से वो चले गए हैं स्कूल। और इसके बाद इसके पापा बैठे हुए हैं अंदर रूम में, क्योंकि उन्होंने अपना चाय नाश्ता कर लिया है। और आज मैं जाऊँगी सहारनपुर, क्योंकि मुझे सहारनपुर में कुछ काम है, जाने हैं शहर। तो वहाँ पर मंदिर में आज वगैरह पूजा पाठ वगैरह कुछ भी किए हुए, क्योंकि दो दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से कुछ नहीं किया। और आज मेरा सारा काम फैला पड़ा है, सारा खिलारा बचा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे करके करूँगी काम को। और बस मैंने आज सुबह में सब्जी बना लिया, ये बैठे हुए हैं मेरे। कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब्जी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो मैंने सुबह में थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह लगा ली थी, बाकी मेरे से नहीं हो रहे, तो पोछा वगैरह मैं आज नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था इस वजह से, और मन भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर घर साफ़ ही था, इतना गंदा भी नहीं था। और बाकी जो खिलारा वगैरह डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है, तो बाकी के काम मैं कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर मैंने बनाने शुरू कर दिया सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की। तो ये मैंने सुबह में ही काट कर रख दी थी, इसको काट कर तैयार करके रख दी थी, तो प्याज वगैरह सभी। और यहाँ पर मैंने इसमें तेल डालकर प्याज डालकर छोंक दिया, उसके बाद इसमें भिंडी डाल दी है, तो इसमें मैंने लंबी लंबी हरी मिर्चें भी काट दी थी, और इसमें ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और अब बस रोटी का इंतज़ार है। कर लिए और फ्रेंड्स, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली है, तो अभी मैं जाकर बस बनाऊंगी जस्ट रोटी, क्योंकि मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाकर आटा लगा कर रख दिया, दही निकाल कर रख दिया, क्योंकि मुझे जमाना है रायता, तो मैंने दही भी निकाल कर रख दिया। भिंडी की सब्ज़ी मेरी बनकर हो चुकी है तैयार, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया है। और ये आज मैंने पहनी थी टी शर्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मुझे गर्मी लग भी बहुत ज़्यादा ही रही है। और यहाँ पर ये देखिए, हमारी बन चुकी है भिंडी की मस्त सब्ज़ी। तो इनका मन था इस तरह की सब्ज़ी खाने का, तो इसलिए मैंने इनके लिए इस तरह की सब्ज़ी बनाई है। और मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी, तो यहाँ पर से रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने रात में ही जमा दी थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह में भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो मैंने रात में दही जमा कर रख दी थी। और ये दही भी जम चुकी है, और किचन आप लोग सोच रहे हो कि फैला हुआ है, क्योंकि फैला हुआ नहीं है, बर्तन धोए थे इन्होंने, सॉरी इन्होंने बर्तन धोए थे, मैंने तो ये बर्तन रखे हुए हैं यहीं पर ही, क्योंकि जोड़ा नहीं है अभी, बच्चे आ रहे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो उसके पापा गए होंगे दोपहर में बच्चों को लेने के लिए स्कूल, तो क्या बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बच्चों को लेने गए हैं स्कूल, और ये बच्चों को लेकर आते हैं, तब तक मैं बना लूँगी खाना। और खाने बनाई है मैंने भिंडी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी मैं रायता बूंदी का, और मैंने आटा लगा कर रख दिया। और बस मैं फटाफट से जस्ट रोटी बनाऊँगी। और ये देखिए, कल मैंने लगाई थी मेहंदी, तो मेहंदी लगाने के बाद मेरे बाल देखिए इतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं, मैंने जस्ट ब्लेचर लगा कर रखा है ऊपर करके इसे, इधर से शायद नहीं, तो ये मैंने इसे ब्लेचर लगा कर, और जस्ट मैंने इस पर ब्लेचर लगा कर ऐसे रखा है ऊपर करके, तो गर्मी बहुत है इस वजह से लगाया है। और यहाँ पर फटाफट से मैं पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद जाएंगे हम मार्केट। तो चलिए फिर फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं, बच्चे भी आने वाले हैं, तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर जस्ट भिंडी की सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी, रेडी है बिल्कुल। और ये देखिए कितने अच्छा टेस्ट है इसका, तो बहुत अच्छी थी खाने में, टेस्टी लग रही थी। और बाद साथ में मैंने अपना रायता डाल लूँगी, दही मैंने रात में जमा कर रख दी थी, तो मैंने आटा लगा कर रख दिया है। और इसके पापा गए हैं बच्चों को लेने, तो वो आने वाले होंगे, तब तक मैं रोटी बना कर रख लूँगी। और यहाँ पे ये दही मैंने जमाई थी रात में, तो ये भी बहुत अच्छे से जमी है, देखिए कितना अच्छे से दही जम गई है,
तो सब्जी को मैं ढककर रख देती हूँ और उसके बाद फटाफट से रोटियाँ बनानी स्टार्ट करती हूँ। तो दही का मैं डालना है रायता, तो पहले मैं दही को देख रही थी कि मतलब टेक्सचर कैसा है इसका, अच्छे से जम भी गई है या नहीं। तो ये सही में ही बहुत अच्छे से जमी थी दही, और बिल्कुल ज़रा सा खट्टा डालकर इसमें मैंने दूध में ऐसे ही रख कर सो गई थी। तो दो तीन दिन से लोग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी हो रही थी दो तीन दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और साथ में मैंने दो तीन दिन से खाना वगैरह भी नहीं खाया था। रात में मैं रोज़ 8-8:30 बजे तक सो जाती थी क्योंकि बस सबको खाना बनाकर और खाना बनाने के बाद से ही मैं सो जाती थी। ना मैंने बर्तन साफ़ किया, ना किचन क्लीन किया, कुछ भी काम मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे सर में जो दर्द था उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और दो तीन दिन से ऐसे ही और था रोज़ का काम, तो बाकी का क्लीनिंग वगैरह जैसे तवा वगैरह ये सब तो मैं कर देती थी। तो जैसे सामान फ्रिज में रखना ये सब करना तो वो वंशिका बाद में अपने आप कर लेती थी, और बर्तन वगैरह जो होते थे। तो दो दिन से मैं सुबह में ही मांझ रही हूँ और इस वजह से सुबह में काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मेरे सिर में इस टाइम भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने गई थी सुबह में झड़वाने के लिए पंडित जी से, तो वो मिले नहीं थे और इस वजह से फिर मैं दवाई लेकर आ गई। तो दवाई वगैरह मैंने खा लिया चाय वगैरह पीकर, दवाई से भी कुछ भी आराम नहीं आया, और अभी तक इस जाली में खिड़की भी नहीं लगी है। तो देखिए घर की टेंशन और परेशानियों की वजह से इतना ज़्यादा सर में दर्द हो चुका है कि बस क्या बताएं। और सच में ही बहुत ज़्यादा घर में टेंशन हो जाती है। और यहाँ पर फटाफट से मेरी रोटी बन रही है, और ये भी आ गए थे बच्चों को लेकर, तो ये ले आए थे बूंदी, तो उसका डाल लूँगी मैं रायता। तो यहाँ पर मैंने देखी बूंदी, पता नहीं किस कलर की ले आई थी, रेड से कलर की थी, कुछ अलग सा ही था इसका पैकेट। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दिया रायते में, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला। तो नमक हो चुका है नमकदानी में ख़त्म, इसको देखती हूँ बाद में डालूँगी। और आलू प्याज सामान आया था तो वो जो कर दिया रखा हुआ है क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से अच्छे से किचन भी क्लीन वगैरह नहीं हो पा रहा है कई दिन से। तो अब सोच रही हूँ किचन को एक ही बार इसे अच्छे से खाली कर दूँ, और फिर किचन का मेकओवर भी करूँ। और ये भी सोच रखा है कि किचन को मॉड्यूलर बनवाने का, तो देखते हैं क्या होगा। क्योंकि किचन की जो ये खिड़की है, तो ये सोच रही थी अभी मैं इसमें जाली वगैरह ना लगाऊँ, इसको थोड़ा सा ऊंची करवाने की सोच रही थी क्योंकि ये स्लैब के बिल्कुल ही साथ में ही जुड़ी हुई है, गलत लगा रही थी। और यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं फिर हम खाना, तो खाना वगैरह सब बन चुका था, बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो बच्चों ने इतने में कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोकर बैठ गए थे खाना खाने। तो इसके पापा बोल रहे थे हम साथ में ही खा लेते हैं, इकट्ठे डाल लियो। यहाँ पर भिंडी की सब्जी है, रायता है, और रात बनाई थी मैंने दाल मूंग मसरी की, तो दाल भी रखी हुई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद ही जाएंगे, नीचे चले गए थे। नीचे जाकर ये देखिए इन्होंने की अपनी मस्ती बाजी, तो यहाँ पर ये समर सेविल चलाकर और पाइप से कर रहे थे नहाना धोना, क्योंकि इनका मन था सबका हरिद्वार जाने का, लेकिन बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं, तो इनके 21-22 तारीख से पेपर शुरू हैं बच्चों के दोनों के ही, तो इस वजह से हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं घूमने भी, वरना बहुत मन था कि कहीं घूमने जाएंगे हरिद्वार ब्यास वगैरह या फिर कहीं भी जाते, तो लेकिन बच्चों के पेपर की वजह से कहीं घूमने नहीं जा रहे, इस वजह से यहीं पर ही नहाना धोना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं मस्ती, तो इससे तो मतलब समरसेविल से अच्छे से नहाया जाता है, तो इसका पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये वंशिका बोल रही थी लाओ फ़ोन मुझे दे दो और आप जाकर थोड़ा सा नहा लो और थोड़ी सी मस्ती कर लो, मतलब फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है तो इसमें अच्छा लगता है करने में। तो फिर इसके पापा भी जिद कर रहे थे तो मैं चली गई थी। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने समरसेविल से पानी से अच्छे से नहलाना शुरू कर दिया मुझे, और उसके बाद से फिर फटाफट से यहाँ पर नहला देंगे, तो हम नहा धोकर चल जाएँगे ऊपर। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए थे हमने, यहाँ पर शाम के समय बनाएंगे हम चाय वगैरह, और उसके बाद जाना है मुझे सहारनपुर। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग ये वीडियो आपको जो भी कह सकते हैं आप अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा है तो भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और यहाँ पर फटाफट से बस नहा धो लिए हैं, अभी वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर लोग देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने की, और बस इसका वीडियो का एंड यहीं पर कर देते हैं क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर सभी लोग नहा धो चुके हैं, और उसके बाद हम सब जाएँगे ऊपर। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो इनका मन ही नहीं कर रहा था कि बिल्कुल भी पानी बंद करने का। यहाँ पर ये मीटर से चल रहा था, तो इसकी वजह से बोल रही थी बार बार इनसे कि बंद कर दो,
और बार बार मतलब कहने के बावजूद भी इन्होंने बंद नहीं किया। इन्होंने बहुत मस्ती की इस पानी से, इतने ज़्यादा तो ये हरिद्वार जाकर भी मस्ती नहीं कर पाते जितना इन्होंने घर में ही इंजॉय कर लिया। तो चलिए फिर आ जाइए, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हमारे साथ और वीडियो का भी एंड कर देते हैं। और यहाँ पर वीडियो का एंड करने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको कभी भी मुझे कोई भी कमी इसमें दिखती हो, कुछ भी कमी लगती हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और इसी वजह से मतलब मैं दो दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि कुछ तो टेंशन हो जाती है और कुछ सर में दर्द इतना आ जाता है और इस वजह से सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं वीडियो अच्छा बन भी रहा है या नहीं। तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।